एनआईए और अन्य खुफिया एजेंसियां रिमांड पर लिए गए सभी 10 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मुफ्ती सुहेल व सईद रईस ने जो जानकारी दी है वो बेहद चौंकाने वाली है। पूछताछ में पता चला है कि अमरोहा में सईद व रईस की मदद से रॉकेट लॉन्चर तैयार कराकर मुफ्ती सुहेल दिल्ली के रास्ते उन्हें जम्मू कश्मीर भेज रहा था। इसे जम्मू कश्मीर के आतंकियों को 1 से 1.25 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। यानी घाटी में आतंकी अमरोहा में तैयार रॉकेट लॉन्चर से दहशत फैला रहे हैं। खुफिया एजेंसियां इसकी भी पड़ताल कर रही है। बीती 26 दिसंबर को एनआईए और एटीएस द्वारा अमरोहा से आईएस के संगठन हरकत उल हरबे इस्लाम से जुड़े संदिग्ध आतंकी मुफ्ती सुहेल, सईद, रईस व इरशाद पकड़े गए थे। मंगलवार को एनआईए की एक टीम सईद को लेकर अमरोहा भी आई थी, जबकि शेष से दिल्ली में पूछताछ जारी है। एनआईए से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हुई पूछताछ में मुफ्ती सुहेल, रईस व इरशाद ने कई अहम जानकारियां दी हैं। सुहेल के इशारे पर अमरोहा के गांव सैदपुर इम्मा के सगे भाई सईद व रईस 10 से 12 हजार रुपए में देसी रॉकेट लॉन्चर तैयार करते थे। सुहेल उनसे 20 से 25 हजार रुपए में एक लॉन्चर खरीदता था। इसके बाद इरशाद के ऑटो से उन्हें प्राइवेट बस तक पहुंचाया जाता था। बस से दिल्ली के जाफराबाद तक टुकड़ों में कर रॉकेट लॉन्चर पहुंचाए जाते थे। यह सिलसिला यही नहीं थमा। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में बैठकर सुहेल जम्मू कश्मीर के आतंकियों को 1 से 1.25 लाख रुपए में एक रॉकेट लॉन्चर बेचता था। वहां उसकी फिनिशिंग कर आतंकियों को दे दिया जाता था। एनआईए के सूत्र बताते हैं कि अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल भी कर रही हैं कि कहीं इसका कनेक्शन पाकिस्तान से तो नहीं है। लगातार 2 दिन छापेमारी के बाद 4 लोगों से गहन पूछताछ और संदिग्ध आतंकियों से जुड़े अहम साक्ष्य लेकर एनआईए और एटीएस की टीमें लौट गई। बुधवार सुबह टीम ने अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में बाईपास रोड पर पिट्टू सैनी के कबाड़ के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान सईद भी टीम के साथ था। टीम ने पिट्टू सैनी व उसके भाई रामचंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सईद को सामने बिठाकर टीम ने दोनों भाइयों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की, बाद में छोड़ दिया गया। दोपहर बाद एनआईए और एटीएस की टीम संदिग्ध आतंकी सईद को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।